ए जो मेरो फायद आपको पता होगा, ओप्पो के कलर रश की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म था कि ओप्पो रेनो 2Z एंड F15 डिवाइस में कलर रश 11.1 का फर्स्ट बैच बीटा फॉर्म एंड ऑफिशियल वर्जन कल के डेट में प्रोवाइड किया जाएगा। कलर रश की तरफ से 17 मार्च 2021 को ये अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा, बट ये अपडेट हमारे डिवाइस में कल के ही डेट में देखने को मिल गया। एंड उसी के साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके डिवाइस में कलर रश 11.1 का फर्स्ट बैच बीटा फॉर्म या फिर ऑफिशियल वर्जन अपने रोल आउट डेट से पहले भी देखने को मिल सकता है। जो भी यूजर एक्टिव थे उनके डिवाइस में बीटा फॉर्म देखने को मिला, एंड जो यूजर ने फॉर्म को किया फिल उनके डिवाइस में फिलहाल एप्रो या फिर पाव्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। एप्रो या फिर पाव्ड का मतलब ये है कि भाई आपने जो बीटा फॉर्म के लिए अप्लाई किया, बीटा बिट के लिए अप्लाई किया, आपका फॉर्म सक्सेसफुली तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया, आपकी डिवाइस में जल्द से जल्द अपडेट मिल जाएगा। हालांकि ये अपडेट हमारे डिवाइस में कब तक देखने को मिलेगा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है अब तक। तो भैया ओप्पो रेनो 2Z डिवाइस में एट लास्ट कल तक कलर 11.1 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट देखने को मिल जाएगा। जो भी यूजर का फॉर्म एप्रो या फिर पावर्ड हो चुका है उनको कोई सा भी टेम्पल लेने की जरूरत नहीं है, उनके डिवाइस में कंफर्म है कि कलर 11.1 का अपडेट मिलेगा अगर एप्रो या फिर पावर्ड हो गया तो। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपके डिवाइस में अपडेट नहीं मिलेगा। एंड अगर हम बात करें ओप्पो रेनो 2Z एंड F15 डिवाइस में कलर 11.1 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट या फिर ऑफिशियल वर्जन कल के डेट में प्रोवाइड होगा क्या, तो भैया मैं आपको बता दूं इसका अपडेट जो कंफर्म था कि इस डेट को मिलेगा उसके पहले भी ये रहता है कि आपकी डिवाइस में अपडेट मिल सकते हैं, मतलब अपने कंफर्म डेट पे अपडेट पहले भी देखने को मिल सकता है या फिर एट लास्ट उसी तारीख तक रोल आउट हो सकता है। अब आपकी डिवाइस में कल अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, मतलब हमारा मतलब ये है जो यूजर ने फॉर्म को फिल किया था उनके डिवाइस में अपडेट तो मिलेगा। अब जो यूजर को अपडेट नहीं मिला, जिन्होंने फॉर्म को फिल वगैरह नहीं किया उनके डिवाइस में नेक्स्ट बैच अपडेट या फिर से अपडेट प्रोवाइड में भी नहीं होगा, क्योंकि पिछले दिनों में ऐसा होता है अगर अपडेट एक बार मिल गया अपने रोल आउट डेट से पहले या फिर उसी डेट को तो फिर आपके डिवाइस में अपडेट नहीं मिलता, वो अपडेट आपके डिवाइस में नेक्स्ट मंथ में देखने को मिलता है। तो भैया जो भी यूजर्स ने अपने डिवाइस में बीटा फॉर्म को फिल नहीं किया उनके डिवाइस में अब न्यू अपडेट नेक्स्ट बैच बीटा अपडेट नेक्स्ट मंथ में प्रोवाइड किया जाएगा कलर्स की तरफ से। एंड जहां तक रही बात ओप्पो F15 के बारे में, तो भैया ओप्पो F15 का जो अपडेट है वो ऑफिशियली हो चुका है, ऑफिशियल हो चुका मतलब फुली फ्री आप बग अपडेट हो चुका है आपके डिवाइस में, ये अपडेट अब ऑनगोइंग पे रहेगा, आपके डिवाइस में न्यू अपडेट कभी भी देखने को मिल सकता है। एंड ऑफिशियल अपडेट हो गया तो आपके डिवाइस में भी कोई सा भी फॉर्म वगैरह फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ये अपडेट आपके डिवाइस में सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू देखने को मिल जाएगा। तो भैया मे बी हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास शेयर की गई आप उससे जरूर संतुष्ट होंगे, एंड जिनके डिवाइस में अपडेट नहीं मिला इप्रो या फिर पाफ्ड फो हो रहे उनके डिवाइस में कल अपडेट मिल जाएगा। एंड जहां तक रही बात ओप्पो F15 अपडेट के बारे में, तो भैया अभी कोई भी कंफर्म नहीं है, जिनके डिवाइस में अपडेट मिल गया था कल ही उनके डिवाइस में मिल गया, अब कल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा मे बी शायद नहीं मिलेगा, जो भी होगा जैसा भी होगा मैं आपको जरूर शेयर बताऊंगा। देन दैट्स इट एंड बहुत सारा थैंक्स, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।